जल पद यात्रा। जी हाँ, ये खबर आ रही है प्रयागराज से। खीरी प्रयागराज में जल ही जीवन है, डीही डिवाई नहर चलाओ किनारे के साथ आज जल पद यात्रा दिगलो गांव से प्रारंभ हुई। डीही व दिगलो गांव से भारी संख्या में किसानों ने जल पद यात्रा को रवाना किया। उल्लेखनीय है कि 40 वर्षों से बंद पड़ी बेलन प्रखंड की डीही डिवाई नहर को चलाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन संगठन ने जल पद यात्रा का आयोजन किया। जल पद यात्रा डीही दिगलो सिंहपुर सलाया कला चंद्रभान कपूरा से होकर गुजरी, जहाँ सैकड़ों की संख्या में किसानों व नौजवानों ने इसका स्वागत किया। किसानों ने कहा कि डीही डिवाई नहर को चलाने को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जल पद यात्रा में रात्रि विश्राम सलाया कला में रखा गया। दूसरे दिन 28 अक्टूबर को यात्रा नहर विभाग के डाक बंगला लाल तारा में समाप्त होगी, जहां पर विशाल किसान पंचायत बुलाई गई है। किसान पंचायत में बेलन नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता से डीही डीवाई नहर चलाने, रोस्टर प्रणाली समाप्त करने, हरदीहा नगर को मॉडल नहर बनाने का वार्ता होगी। जल पद यात्रा में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राजीव चंदेल, मंडल महासचिव के मिश्रा, ब्लॉक मेजा प्रभारी रमाकांत यादव, दया शंकर बिंद, युवा नेता राय गोविंद, सुजनी न्याय पंचायत अध्यक्ष रमाकांत बिंद, इटावा कला न्याय पंचायत अध्यक्ष पन्ना सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। देखें खीरी से संदीप कुमार की ये रिपोर्ट।